जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो चल रही थी और हम लोगों का आज जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है आखिरी वीडियो के तौर पे कह सकते हैं, आखिरी वीडियो क्या, इसके बाद एक वीडियो और रहेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र का अगला टॉपिक, यानी उत्पादन संभावना वक्र जो आपने देखा था कि वो जो है आपका नतोदर शेप का होता है, तो वो सरल रेखा में भी हो सकता है, तो कैसे होगा, क्यों होगा और किन कारणों से होगा, इस चीज़ के बारे में आज की क्लास होने वाली है। आज की क्लास है छोटी सी और वीडियोज लाइन बाय लाइन आ रही थी, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें हो जा रही थी जैसे बोर्ड का रिजल्ट आ गया, तो उस चीज़ का मैनेज करने में, टॉपर्स की लिस्ट निकालने में, टॉपर को शॉर्ट लिस्ट करने में और टॉपर की वीडियो को एडिट करने में, इन सभी चीजों को करने में और उन लोगों से संपर्क करने में जो है काफी समय लगा, जिसके वजह से वीडियोस में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए, वीडियोस जो है रेगुलरिटी के साथ नहीं बन पाए और हम लोग को जो है नया बैच लॉन्च करना था उसकी प्लानिंग में उन सभी चीजों में भी जो है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग की जो है अभी से वीडियो जो जैसे जा रही थी वैसी तरह से चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए वो क्या करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि बैच से संबंधित, यहाँ पे वीडियो से संबंधित, चैनल के कोई भी सूचना से संबंधित सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको यूट्यूब जो है जो भी पीडीएफ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, जो भी होमवर्क रहेंगे, वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को जरूर ज्वाइन किया। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर क्यू आर कोड है, उसे आप स्कैन करके जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम चैनल के लिए पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और उसके साथ साथ नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट में जो है आपको जो है सारा का सारा जो है डिटेल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जिसके आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम आप देख रहे हैं यहां पर हेडिंग में कि सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा उत्पादन संभावना वक्र। इसका मतलब क्या होता है, आप उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी को जानते थे कि भाई पीपीसी इस तरह से होता है, ठीक है, जो पीपीसी होता है वो कैसे होता है, वो इस शेप का होता है, एक्स और वाई इस तरह से होते हैं और इसमें जो हमारा पीपीसी ऐसे जाता है, ठीक बात। तो ये क्या होता है, ये नतोदर शेप का होता है, ये किस शेप का होता है, नतोदर शेप का होता है। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं, सरल रेखा उत्पादन संभावना, यानी पीपीसी जो है इस तरह से होगा, एकदम सीधी लाइन में जो है हमारा पीपीसी बनेगा। तो ये कैसे संभव है, आपने जाना था कि जो पीपीसी का जो मोड़ है, पीपीसी में जो ढाल बना है उसका जो मोड़ बना है वो नतोदर शेप क्यों बनता है, उसका कारण है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर। और वो कहता है कि जब भी हम एक संसाधन को एक प्रोडक्ट से यानी एक प्रकार के उत्पाद से उठा करके दूसरे वस्तु के उत्पादन में जब हम लगाते हैं तो हमारा पहले वाले उत्पादन जो है तेजी से घटता है और दूसरा वाला उत्पादन जो है धीरे धीरे बढ़ता है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है इस तरह से जो है लगातार हर बार चेंज करते हुए बढ़ता चलता है, जिसकी वजह से हमारा नतोदर जो होता है, अरे नतोदर शेप का हमारा पीपीसी होता है, बात समझ में है, जो पीपीसी होता है वो नतोदर शेप का होता है। तो इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, क्या उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा हो सकती है, ये क्वेश्चन है, यही आपका टॉपिक है। तो सैद्धांतिक रूप से हो सकती है, और ये याद रखिए ये सैद्धांतिक रूप से ही हो सकता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कंफर्म मानिए कि जब किसी भी एक जगह पे यानी एक्स वस्तु के उत्पादन में कोई संसाधन काम कर रहा है, कोई श्रमिक काम कर रहा है, अब उसे उठा करके आप वाई वस्तु के उत्पादन में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्स वस्तु के काम करते करते उसे एक्स वस्तु का काम करना अच्छे तरीके से आता है, लेकिन जब उसे उठा के आप वाई वस्तु पे ले जाएंगे तो अपनी वो पूर्ण उपयोगिता से वाई वस्तु के उत्पादन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वस्तु का जो है चीज़ें बदल जाएगा, ठीक है, वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया, वस्तु के उत्पादन के बारे में सब चीज़ें बदल जाएगा, तो उस उत्पादकता के जरिए यहाँ पर वो उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से एक्स वस्तु का उत्पादन जो है तेजी से गिरता है और वाई वस्तु का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, इसीलिए एमआरटी जो है क्या होता है, एमआरटी लगातार बढ़ती रहती है, बात समझें। और यहाँ पर यही बताया कि सैद्धांतिक रूप से हो सकता है, यहाँ पर एमआरटी जो इक्वल होगा तभी ऐसा हो पाएगा, ये सैद्धांतिक रूप से ही संभव है, ठीक बात। तो मिल बताया, अर्थात क्या बोला है कि जब एमआरटी अर्थात पीपीसी वक्र का ढाल, एमआरटी को ही पीपीसी वक्र का ढाल कहते हैं, ठीक है, स्थिर होता है, स्थिर होने का मतलब बराबर हो जाए हर बार, यहां से जितना उठा करके वहां लेके तो इधर जितनी कमी हो उतना ही इधर वृद्धि हो, ऐसा कंडीशन होगा तभी हमारा पीपीसी क्या होगा, सरल रेखा में हो पाएगा। तो लिखा है एमआरटी स्थिर केवल एक स्थिति में हो सकता है, किस स्थिति में, जब हम यह मान लें कि सारे संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान कुशल हो, यानी हमें यह मानना पड़ेगा कि एक्स वस्तु के उत्पादन में जो भी संसाधन लगे सेम टू सेम उतना ही वाई वस्तु के उत्पादन में सेम कुशलता के साथ दोनों काम करें, ठीक है, सारे संसाधन काम करें दोनों वस्तु में, ऐसा मुमकिन है क्या भाई, एक वस्तु के संसाधन जो एक वस्तु में लगे हैं, एक श्रमिक जो है एक वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसे दूसरी वस्तु में लगाएंगे तो उतने उत्पादक से वह काम नहीं करेगा, ये 100% कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से माने कि अगर ऐसा हो तो पीपीसी क्या होगा, पीपीसी जो है स्ट्रेट लाइन में हो सकता था, यही बोला है, परंतु वास्तव में यह नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी ये बात बता दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, जब एक्स वस्तु के उत्पादन के एक इकाई को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की उसी अनुपात में अर्थात एक इकाई का ही त्याग करना पड़ता है, यानी एक इकाई बढ़ेगा तो एक ही का त्याग हो, ठीक है, यानी 1:1 एमआरटी बने, ठीक है, करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में पीपीसी एक सरल रेखा में होते हुए बाएं से दाएं नीचे की ओर
जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर जाएगी, जाहिर सी बात है पीपी से बाएं से दाएं नीचे की ओर ही जाता है। यह परिस्थिति दर्शाता है कि सभी संसाधन एक्स तथा वाई दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल हैं। ठीक बात, क्लियर है, बात समझ में है, पीपीसी कब स्टेटरी लाइन में होगा। अब इसी चीज़ को जो है हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में देखिए, यहाँ पर पिछले चार्ट में भी ऐसा ही था, उत्पादन संभावना सारणी बना रहे, लेकिन ये किस कंडीशन में सारणी बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका इस कंडीशन में, जब आपका क्या होगा, जब आपका उत्पादन संभावना सारणी में एमआरटी जो है इक्वल चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे पहली संभावना में जीरो जो है एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है, सारे के सारे संसाधन वाई वस्तु में लगे। दूसरी संभावना में एक्स वस्तु का उत्पादन एक बढ़ गया, तो वाई वस्तु का उत्पादन जो घटेगा वो एक ही घटेगा, तभी एमआरटी हमारा 1:1 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हर बार होगा। ठीक है, तीसरी संभावना में जो है इसका उत्पादन एक बढ़ गया और यहाँ पर जो है वाई वस्तु का उत्पादन कितना घटेगा, एक ही घटेगा, बात समझे, तभी हमारा एमआरटी 1:1 आएगा। और हर संभावना में ऐसे ही होगा। ठीक है, यानी एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा और एक बढ़ेगा और एक घटेगा। ठीक है, तब क्या होगा, हर समय एमआरटी 1:1:1 चलता जाएगा और इसी वजह से हमारा क्या होगा, पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। यानी हर वस्तु जो भी एक्स और वाई दो वस्तु का उत्पादन है उसमें जितने भी संसाधन लगे दोनों वस्तुएं समान रूप से कुशल होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि एक वस्तु में काम करने वाले जब संसाधन दूसरी वस्तु में जाते हैं तो कम उपयोगिता के साथ जो है वहां पर परफॉर्म करते हैं। ठीक बात, क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए आगे। अब इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे जो है पीपीसी बना है और पीपीसी आपके सामने बना हुआ है, समझ में आ रहा होगा क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में है, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी में क्या है आराम से जा रहा है, और सबके बीच की गैप देख लीजिए। ठीक है, सबके बीच का आप गैप देख लीजिए तो आपको वो बराबर गैप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर सबका गैप देख लीजिए, पूरी तरह से बराबर मिलेगा, ये एमआरटी आपका इक्वल है। इसी वजह से उत्पादन सीमांत रेखा जो है, उत्पादन संभावना रेखा जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर एक समान है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्त, क्लियर बात। तो यही था आज का टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बस यही समझना था कि ये सरल रेखा में हो सकता है क्या, तो हो सकता है, कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, हो सकता है तो हाँ, ठीक है, आप समझ जाए, लेकिन कब होगा, उसका कारण क्या है, जब आपका एमआरटी इक्वल हो, एक समान हो, जब दोनों वस्तु के उत्पादन में जो हमारे संसाधन रख रहे हैं वो एक समान कुशल हो। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा कारण। तो यही चीज़ था आज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो है उत्पादन संभावना वक्र खत्म हो गया, अब अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, बात समझें, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसी को दूसरे रूप में भी नाम से पढ़ा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है और केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा और उसके बाद हम लोग का जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जो इससे भी मज़ेदार चैप्टर है और बोर्ड के नज़र से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पर ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।